वो सिचुएशन ऐसी आ गई है, जैसे जो मैंने पहले कहा था कि जुडिशरी जो है वो भी एक उसने भी एक रुख पकड़ लिया है। ये मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था, आपने उस जो आपने तक दिखाया है कि जुडिशरी भी आवाम का हिस्सा है और आवाम जो है वो इस वक्त 70-30 हुई हुई है। दीज प्रेशर्स आर देयर ऑन एवरीवन, मीडिया के ऊपर भी है और हर जगह पे है। तो ये जो नई जनरेशन आई है ना, दी अंडर, अब जो पिछले दो इलेक्शंस में जो कि 4-1 करोड़ नए लोग आ गए, दैट्स अ बिग चंक, और उनकी हमदर्दियां जो है आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की तरफ, और ये पुराने लोग जो है उनके साथ नहीं है। तो अब ये सब एक हकीकत है, हमें ये पहचाननी पड़ेगी, और ये जुडिशरी के अंदर भी इसी किस्म के तासरात पाए जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम बना हुआ है इस हुकूमत के लिए और इस एस्टैब्लिशमेंट के लिए, अब कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज ये हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने टक्कर ले ली है। अच्छा, इमरान खान के साथ। अच्छा, और अगर इमरान के साथ लेंगे तो फिर उसके सपोर्ट बेस के साथ भी लेंगे। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जुडिशरी के ऊपर ना रिलाई करें कि वो आपके साथ खड़ी रहेगी। जुडिशरी में लाइकलीहुड यही है कि आपको प्रॉब्लम आएंगे जुडिशरी से, उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा था। अब वो आपके सामने आ गया, इतनी जल्दी आ गया सामने, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था। तो अगर मुझे नजर आ रहा था तो इसका मतलब कुछ पक रहा था, कुछ मुझे फीडबैक मिल रही थी, कुछ मेरे लोग मुझे बता रहे थे कि वहां क्या हो रहा है। डोंट फॉरगेट।